Hello friends, I've been hearing that there has been a lot of counter propaganda against me regarding my rally in Khumulung. First of all, I don't approve of anyone shouting welcome China, bye bye India, क्योंकि जो भी ये नारा देता है वो समझता नहीं कि हिंदुस्तान में रह के हम अपने सरकार के खिलाफ डेमोक्रेटिकली हम आंदोलन कर सकते हैं। चाइना में अगर ये होता तो हमें आज हमें आवाज़ उठाने का भी मौका नहीं मिलता। तो जो भी ये स्लोगन्स कर रहे हैं, पहले बात है कि आप मिसगाइडेड हैं और दूसरी बात है कि आप समझते नहीं हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां में हमें एक अवसर मिलता है अपने प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिकली लाने के लिए। सो आई कंडेम एंड आई अपोज सच चांस। जो भी ये कर रहे हैं यू आर मिसगाइडेड। आप पहले अपने देश को समझिए। हमारा ये जो ओपोजिशन है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। और आज जो सरकार कर रही है हमें लगता है कि असंवैधानिक है। और अगर आप इनका विरोध करना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिकली कीजिए। हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाकर आप सिर्फ अपने आप को हल्का कर रहे हैं और अपने आप को गिरा रहे हैं सबके सामने। दूसरी बात है कि मैंने सुना है कि एक एलिगेशन आ रहा है कि प्रद्योत लोकसभा इलेक्शन में लड़ना चाहता है और ये इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा ही इज़ ट्राइंग टू गार्नर सपोर्ट फॉर हिमसेल्फ। पहली बात है कि आप शायद मुझे समझ नहीं सके। मैंने ये पहले से कहा आप मुझे समझ नहीं सके क्योंकि I am not interested in standing for the Lok Sabha elections. Period. तो जो रामपद जमतिया कह रहा है कि या फिर कोई लोग बीजेपी से कह रहे कि क्योंकि मैं लोकसभा में खड़ा होना चाहता हूँ इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। पहली बात है कि अगर मुझे लोकसभा में खड़ा होना होता तो मैं बीजेपी के टिकट ही ले लेता। सबसे आसान है, सरकार में है, पैसा है, बीजेपी भी मुझे थोड़े दिन तक तो ऑफर ही कर रही थी। लेकिन हर चीज़ अगर आप सत्ता पावर से जुड़ोगे तो दिल का बात कौन बोलेगा। और अगर मैंने बीजेपी से ये टिकट ले ली होती या कोई भी और पार्टी से जिसका चांस अच्छा है तो कल मैं अपने लोगों के सामने जाके क्या बोलता। तो हर चीज़ आप पॉलिटिक्स में मत देखिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैंडिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में मुझे रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि जैसा मैंने देखा है पॉलिटिक्स पिछले 5-6-7 साल में, आई फील डिस्गस्टेड समटाइम्स दैट बिफोर इलेक्शंस व्हेन यू आर इन ऑपोजिशन हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या वादे करते हैं और जब पावर में आते तो हम लोग बोलते सब चीज़ को भूल जाते हैं हम लोग। सो रामपद जमतिया ने कहा कि महाराज ये कर रहा है, प्रद्योत ये कर रहा है क्योंकि उनको लोकसभा में जाना है। जी मैं लोकसभा में नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। तो यहाँ में आपका प्रोपेगेंडा फुस हो गया, ठप गया आपका प्रोपेगेंडा। अब बताइए आप मेरे खिलाफ क्या बोलेंगे। किसी ने कहा मैं कॉम्युनल हूँ। मैंने किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोला है। मेरा स्पीच आप पूरे तरीके से सुनिए, स्पेशली द लास्ट बिट। मैंने कहा कि हमारे दुश्मन नहीं है कोई भी कम्युनिटी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने कहा है कि हम कम्युनल है हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है हम सबके संग है, किसी के खिलाफ नहीं है। और अगर आपको एटमॉस्फेयर को कम्युनल करना ही है, आप इलेक्शन के 3 महीने पहले ये बिल आ रहे हैं, आप वोट बैंक कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम नॉर्थ ईस्ट में कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं। आपका टारगेट है ममता बनर्जी, आप ममता बनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं तो निशाना है ममता बनर्जी के ऊपर। हम इनडायरेक्टली हम आपके कोलैटरल डैमेज, हमको हमारी कोलैटरल डैमेज हुई है। समाज को मैं हमेशा आगे रखूंगा, पॉलिटिक्स को मैं पीछे रखता हूं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे तो पहला बात है कि आप प्रद्युत को समझ लीजिए, देख लीजिए, तब उनके ऊपर अटैक कीजिए। अगर आज कोई भी लीडर MLA पॉलिटिशियन मेरे संग खड़ा हो तो मैं उनके साथ हूँ। मैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं ब्लैंकेट पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। और कोई कहता कि इनका ये आइडियोलॉजी, मेरा आइडियोलॉजी मेरा खुद का आइडियोलॉजी है
जहां में मैं चोरी नहीं करता हूं, किसी से झूठ नहीं बोलता हूं। आप झूठ बोलकर पावर में आते हो, आप झूठ बोलकर क्या क्या वादा करते हो, और जब पावर में आए तो हम सब चुप हो गए। आपको त्रिपुरा के लोगों ने चुना है, आप झूठ मत बोलिए। और अगर आप झूठ, अगर आपको लगता है कि झूठ बोल के पब्लिक आपको सुनेगी, ये जो रैली हुआ था ना, ये रैली स्पॉन्टेनियस था। इसमें बीजेपी के लोग भी थे, इसमें कांग्रेस के लोग भी थे, इसमें INPT, IPFT, CPM के लोग भी थे, क्योंकि ये सेंटिमेंट जेन्यून है, ग्राउंड में सेंटिमेंट है। आप सेंटिमेंट को आप बोल दोगे कि ये कम्युनल है तो बहुत गलत चीज़ है। और अभी किसी को अगर सवाल पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल बी एबल टू आंसर इट। थैंक यू एरिक दे बर्मा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। विश्वजीत साहा, आई सल्यूट यू टू। साशा, हाउ आर यू ब्रदर? थैंक यू मिस्टर रंगलोंग, आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। मोहम्मद जी, थैंक यू मोहम्मद जी। दोफा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड जाति इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी, माई पोजिशन हैज़ बिन दैट अगर हम इंडिया, हम भी इंडियंस हैं, आप हमारे बारे सोचिए। और ये जो बिल है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, आप में हम किसी जाति, धर्म और भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम भी इंडियंस हैं। हाय अंशुमन, आई एम नॉट योर ओनली होप, द पीपल ऑफ त्रिपुरा आर देयर ओन होप, आई एम जस्ट अ कैटलिस्ट एंड आई डोंट इंडल्ज इन चीप शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स। आई बिलीव दैट वी नीड टू वर्क एज द होल ऑफ त्रिपुरा नीड्स टू वर्क टुगेदर एंड वी नीड टू वर्क विथ रिस्पेक्ट। थैंक यू चिरंजीत। CPM का प्रोटेस्ट हो रहा है 4 तारीख को, मुझे इनविटेशन नहीं मिला है, लेकिन अगर उनकी प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, तो आई एक्सटेंड ऑल सपोर्ट। ये CPM का रैली है या कांग्रेस का रैली है या BJP का है, INPT का, IPFT का, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। हाय महेंद्रा, वेल आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू अ रैली इन अगरतला, बट फर्स्ट लेट्स सी वॉट द BJP एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू इन द राज्यसभा। जब राज्यसभा में वी विल नो वॉट दे आर डूइंग, देन वी विल टेक अ अप्रोप्रिएट एक्शन। कमल, कमल कलॉय, हाउ आर यू फ्रॉम चिनीकॉक, हाउ आर यू? थैंक यू मोलसम। Tripura's Bengali people, they are as much Tripuris as we are, as anyone is. There is no difference between a Tripuri Bengali and a Tiprasa. Anyone who loves his state, his country, is as much an Indian. And I love my Tripuri Bengali people, and I think that they also need, their problems are the same. There is unemployment, naukri nahi hai, education system kharab hai. हमको भी वही सुविधा चाहिए। सो वाई शुड आई डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ बंगाली त्रिपुरी एंड अ इंडिजिनस त्रिपुरी और अ मणिपुरी त्रिपुरी और अ बिहारी त्रिपुरी और अ नेपाली त्रिपुरी? थैंक यू मिस्टी दे बर्मा। आई एम ऑल्सो विथ यू अम्बरीश, वी आर ऑलवेज विथ द पीपल एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आशिम देवनाथ, thank you for agreeing with me, it is very important that you understand what I'm trying to say. Kaushik, Dr. Are Kaushik ji, hats off to you, I hope your child is doing better. Kaushik, Manushi Chaudhary, thank you so much. I want everyone to unite under the citizenship amendment bill and not to exclude anyone. Paritosh, Bengalis may not be supporting me, but then, you know, there are a lot of Bengalis who are supporting us. Do not divide our society along those lines. I am very hopeful that anyone who is fair-minded will understand
what I am trying to say. Well, the threats may come and go. It does not make a difference. I don't want my mother and my sisters and my family to be dragged into it. But you see, anyone who is cheap, anyone who does not understand, will do this. But it should not bother me. It should not affect me. And I love my state and I love my people. And Sujoy Bhaduri, maybe I'm not a perfect politician because I speak honestly. A good politician these days needs to choose what to say, what not to say. I'm actually quite tired of politics, you know. And it's very sad that a person like Rampada Jamatia, whom I have known for a very long time, my mother has known him, he was from the Hoda Jamatia. If he wanted to know if I was standing for Lok Sabha and that's the reason I was opposing this, he could have just met me. He met me a few days ago for a program, and you could have asked me there. See, Rampada Jamatia is not speaking. He's being told to speak out against me. He's following instructions and orders. I, on the other hand, I speak my mind and I speak from my heart, and that's it. I'm not interested in standing for the Lok Sabha elections. I don't have, if I had to, I would have applied for it. I am not standing for it. Thank you, Bikramjit Sengupta. Sameer, thank you. Main North Tripura mein aaunga, Sagar Das. Belai, belai no hambai. Well, if anyone wants to kill our Chief Minister, of course I am against it. Any hate speech, anything which indulges in violence, I'm against violence. See, aap log samajhiye, aap log ye BJP, Congress, CPM mein aapne state ko tod diya hai. 90% of the state BJP, Congress, CPM nahi dekhta. Wo dekhta hai ki achha governance ho, home, law and order maintain ho, aur ye jo politics hai of divide, wo election ke pehle, ये बिल किसने लाया है? ये बिल जिसने लाया है वो चाहता है कि दंगा हो. हम नहीं चाहते दंगा हो. I love you too. See, क्या problem? What is it there? It's a good question that you've asked. People are trying to. दिल किसी का बड़ा नहीं है. अभी आप देखिए, IPFT ने तिपरा लैंड डिमांड किया है, ठीक है, चलिए उनका पॉलिटिकल राइट है. वो सरकार में है, मैं सरकार में नहीं हूं. वो आज के दिन, आज से एक साल पहले IPFT को RSS, IPFT को BJP कम्युनल बोलता था. आज वो सरकार में है. मेवार का स्टेटमेंट है कि तिपरा लैंड इज द ओनली सोल्यूशन. अब मैं पूछना चाहता हूं, आप एक SP का सस्पेंशन नहीं डिमांड कर सकते? आप किस चेहरे से जाके दिल्ली में बोलेंगे कि मुझे तिपरा लैंड दो? ये सही बात है, आप पूछिए. अगर आप जब पावर में आते हैं तो आप सब भूल जाते हैं. और अगर आपको, अगर मेवार ने क्या कहा, ही सेड दैट तिपरा लैंड इज द ओनली सॉल्यूशन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. ये मेवार ने कहा है, वो मंत्री है इस सरकार में, मैं नहीं हूं. तो सरकार को पूछना चाहिए, वो कैबिनेट कुलीग है, इज दिस द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, वो ये उसका पर्सनल व्यू है. चार तारीख को अगर CPM कर रहा है तो कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स मत कीजिए. जो मेरा रैली हुआ था उसमें झंडा नहीं था, उसमें पॉलिटिकल फ्लैग्स नहीं था, उसमें पॉलिटिकल स्पीच मैंने नहीं दिया था. तो अगर आप अपोज कर रहे हैं तो यूनाइटेडली, नॉन पॉलिटिकली आप अपोज कीजिए. और अगर आप पॉलिटिकली अपोज करना चाहते, सब पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है, CPM का भी हक बनता है, उसमें आप ये मत बोलिए कि हम आएंगे तो ये करेंगे. हम सबको मिलके अपोज करना है. थैंक यू अखिल. I respect and I love all my Tiprasa people and Tipra Jug. Let's not forget our Tipra Jugs. Tipra Jugs, we have to respect our women in our society. I am not a politician, Biresh. That's the truth.
I'm a person who speaks from my heart. And if people cannot understand that, that is their loss. A politician is there for 5 years, 10 years, maximum 15 years. I don't want to be, I want to speak for my people. I love my people. And so I've spoken. Rajesh Ghosh, agar aap nahi samajh sakte ki ye politics hai, to ye aapki, this is your fault. मैं आपके जात और धर्म में देख के बात नहीं करता हूं. आप भी मेरे जात और धर्म में देख के मत बात कीजिए. मैंने कहा है, अगेन आई एम सेइंग, बाय बाय इंडिया, हेलो चाइना गलत स्लोगन है. कोई भी जो ये स्लोगन उठाता है वो बेवकूफ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चाइना में हम कर सकते थे जो हम लोग बोल रहे हैं वेलकम चाइना. अगर चाइना में हम ये स्लोगन करते तो 2 मिनट में हमें अंदर किया जाता या गोली मार दिया जाता है. ये गलती आप इंडिया, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है. जो एमएलए ने हमको झूठा वादा किया उसके खिलाफ है. आप इंडिया को क्यों इसमें तान रहे हो? इंडिया हमारा देश है और हम अपने देश को प्यार करते हैं. और जो बाय बाय इंडिया कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वेलकम चाइना, उसने चाइना कभी देखा नहीं इसके लिए बोल रहे हैं. उनको भी समझना चाहिए कि ये बेवकूफ स्टूपिड स्टेटमेंट देकर आप एक लेजिटिमेट मूवमेंट को आप इसको इसमें नुकसान कर रहे हैं. थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स. थैंक यू चंद्रानी, आई लव यू टू. सीमा देव वर्मा, वेल इफ एनसी बाबू डज नॉट वॉन्ट टू स्पीक, वेल यू शुड आस्क हिम, बिकॉज he is supposed to speak for the people of Tripura. And just by giving memorandums and meeting prime minister and president, nothing happens. Take a concrete step, stand up for your people and speak for your people. That's the reason why we have voted, not for you to become a minister and keep quiet. Thank you, Amrish, for letting Rajesh Ghosh know that. So, any last question before I go? Ask Bugra if... Rajnath Singh... See, I have no problem with BJP. BJP had promised it in their vision document that they will bring citizenship amendment bill in 2014. Whatever you say, BJP ne apna baat pakka rakha hai aur unhone bola hai ki hum layenge aur wo प्रपोज कर रहे हैं. जो रीजनल पार्टीज हैं जो अभी पावर में हैं, उनको उनका स्टैंड था कि हम नहीं अलाउ करेंगे. जब वो ला रहे हैं अपने वादे के जो उन्होंने वादा किया था, तो जो रीजनल पार्टीज हैं और जो प्राइवेटली बोलते कि हम सपोर्ट नहीं करते, अब पब्लिकली आइए और बोलिए. आरजू त्रिपुरा, व्हाट वाज योर कमेंट? थैंक यू राजेश घोष. मैं कांग्रेस में क्या करता हूँ? मैं कांग्रेस में अभी क्या कर रहा हूँ? मैं वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी हूँ, सिक्किम में जाता हूँ, काम करता हूँ. लेकिन मैंने कांग्रेस को अपने लोगों से आगे नहीं रखा है. मैंने अपने त्रिपुरा को हमेशा अपने पार्टी से आगे रखा है. ये बात भी आप समझ लीजिए. मैंने पार्टी को हमेशा पीछे रखा है और अपने देश और अपने लोगों को, जो त्रिपुरा के नागरिक है, उनको पहले रखा है. Thank you, thank you. Narendra Modi, Nung Bubagra no Siniyako. True. Rajnikant of Tripura, wah. I'm Pradyot of Tripura. I'd rather be Pradyot of Tripura than be any superstar from South. Thank you, Mahendra. I appreciate. Pramila Kaloy, I love you too. Ill if IPFT demands resignation from Congress, on what ground? Deepak, not standing from Lok Sabha. It is very clear. I am not standing for Lok Sabha. Yes, Puila Jati Ulo Party. Thank you, NK Debarma.
Ask Bugra, if the bill is passed, I say, as I said, I will go to the Supreme Court and challenge it, because it is not constitutional. It is against the fundamentals of the Constitution. Thank you, Kamal. Hi, Debjani. How are you? Thank you. I am also with all the Tiprasas and Tiprajaks and everyone in Tripura. Belai Belai no Hambai Shamlal Deb Barma. Pujan! How are you, Pujan? How are you? Muhammad Jihad, I am not the Asad Owaisi of Tripura. I am Pradyut Maniki of Tripura. Asad Owaisi should understand that Tripura is not a communal state. Brian Deb Barma, on what grounds, if the Congress Party goes against the Citizenship Amendment Bill, obviously I will take my position very clear. I have always put my people first. But the Congress Party is right now against the Citizenship Amendment Bill. Hi Biplab. Pujan, so see you. Thank you so much. I will arrange a Citizenship Amendment Bill rally. Aap pehle dekhte ki Rajya Sabha mein kya hota hai. Thank you. Thank you. Bye bye. Belaino hambai. Dhanyavad.